हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 7.2 का कंसेप्ट भी समझा था और उसके क्वेश्चन नंबर 1 टू 15 कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सभी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, और उसके तो अपने स्टेटस पे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 7.2 of integration. Now we have got question number 16, which is question number 16 is e raised to the power 2x plus 3 dx. साथ में अपनी बुक खोल के रखो बच्चों, क्वेश्चन मैच करते रहो और अपने कर लेते हैं इन क्वेश्चन को। देखो ध्यान से, e की पावर 2x plus 3 का क्या करोगे। पहले e की पावर 2x plus 3 को लिखोगे e की पावर 2x, e की क्यूब dx, पावर स्प्लिट कर दी। एक ही क्यूब तो बच्चों क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और ये एक ही 2x एज इट इज dx, और एक ही x का आपको पता है बच्चों क्या होता है, एक ही x का क्या होता है, एक ही x ही होता है। और याद करो प्रीवियस वीडियो मैंने समझाया था, जो x का कोफिशियंट है वो अपॉन में आ जाता है, 2 प्लस में आ गया c। क्यों आ जाता है, क्योंकि अपने को इसको t पुट करना था 2x को, 2x को t पुट करेंगे तो x का तो dx हो जाएगा, लेकिन dt के अपॉन में क्या आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा, वो 2 ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अपनी रफ नोटबुक साथ में निकाल के रखो, अपनी बुक पैरेलल रखो, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखो, बुक में रीड करो क्वेश्चन को, फिर अच्छी तरीके से जब समझ आ चुका है तो इसको जल्दी से नोट कर लो। साथ के साथ पैरेलल रफ नोटबुक जरूर रखा करो ताकि आपको समझ आता रहे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 देखो सभी, क्वेश्चन नंबर 17 भी है, एक्स अपॉन में ए की पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स। दिमाग लगाओ क्या पुट करें, एक्स स्क्वायर को टी पुट करें, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया बच्चों, 2x dx और t का dt, x dx इक्वल dt अपॉन में 2। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया प्यारे बच्चों, dt बाय 2। ये रहा dx, x dx का रिप्लेसमेंट मिल चुका है हमको, क्या मिल चुका है बच्चों, x dx का रिप्लेसमेंट dt बाय 2। बाय 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बच्चों बाहर बिठा दिया करो आराम से। ये क्या बन गया, 1 अपॉन में e की t बन गया। अब 1 अपॉन में e की t का log e की t के मतलब कर देना, e की t का प्रोसेस अलग है, log t तभी होता है जब 1 अपॉन में t हो, ठीक है, और यानी वेरिएबल पर पावर एक ही हो नीचे। ये e की t है, ये अलग फंक्शन है, इसको पहले ऊपर लेके जाओ ऐसे। अब e की माइनस t का, e की माइनस t और माइनस t का फिर करोगे तो वो माइनस का 1 आएगा प्लस में c, ठीक है। अब ये तो बन गया, ये माइनस वन, टू से करेंगे तो माइनस का 1/2 हो गया, ए की पावर माइनस टी की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस में सी। इसमें वैसे अगर दिमाग लगाओ ना तो 2 बार टी पुट होगा, पहले टी पुट कर दिया, अब यहाँ पे पी पुट कर लो, माइनस टी को पी से रिप्लेस करोगे तो ई की पावर पी बन जाएगा ये, ठीक है, वो माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है 2 बार करो, इससे अच्छा दिमाग लगा लो, बस समझाया था ना कि जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में लगा दिया, ठीक है। तो ये बच्चों इसका 17 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, अब आपका दिमाग बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है, 7.1 आपको आती है। जिसने नहीं की 7.1 उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो भी वहां से कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख लिया करो। 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट दे रखी है मैंने, वहां से देख लिया करो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। हाँ जी, इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ए की पावर क्या है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स। बीच बीच में आपसे मैं सारे फॉर्मूलाज पूछूंगा तब आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। चलो अवकलन पूछता हूँ आपसे, कुछ बताओ साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ, बताओ क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों, 1/√(1 − x²). कोस इनवर्स एक्स का बताओ चलो क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स का क्या था, −1/√(1 − x²). टेन इनवर्स एक्स का बता दो चलो, टेन इनवर्स एक्स का बता दो, 5 करोड़ रुपए इनाम है। क्या होता है टेन इनवर्स एक्स का, 1/√(1 + x²) होता है। तो अगर जिन्होंने बता दिया वो अपने पेरेंट्स से 5 करोड़ रुपए ले सकते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स का बच्चों डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये बनेगा, तो हमें पता है इसको टी पुट कर दे, तो टेन इनवर्स एक्स का 1/√(1 + x²) डीएक्स इक्वल dt। आई सभी को बात समझ, तो बस अब बच्चों रिप्लेसमेंट मिल गया हमें, ये देखो 1/√(1 + x) करके dx का मिल गया, क्या मिल गया dt, और ये क्या बन गया e की t।
ई का ई की टी प्लस में सी, टी की बच्चों वैल्यू पुट कर देना, क्या पुट कर दोगे, टेन इनवर्स एक्स, कुछ खुद भी कर लिया करो, इंटेलिजेंट सारे बनते जा रहे हो, इंटीग्रेशन किया करो, इंटीग्रेशन से इंटेलिजेंट भी बन के देखो। हाँ जी, इसके बाद 19-20 इंपोर्टेंट लगा लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 19 नंबर है e की पावर 2x, 2x ये क्या माइनस वन अपॉन में e की पावर 2x प्लस वन डी एक्स। देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, e की x कॉमन लेना है, कॉमन लेना है, कॉमन 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 लेना है, ये बचेगा e की x। अब आप कहोगे सर यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ नहीं है तो बचे इसकी अपॉन में लगना था ना वो e की x, तो ऊपर जाके e की माइनस एक्स बन जाएगा, और अब यहाँ पे भी कॉमन ले लो e की x, तो e की x इसके अपॉन में लगा था ऐसे, e की x वो ऊपर जाके e की माइनस एक्स बन जाएगा, ऐसे ही ऊपर वाला था, घबराने वाली बात नहीं है, जिगरा रखा करो, इंटीग्रेशन है। अब देखो नीचे वाले को की पुट करो, ऑटोमेटिक ऊपर वाला चला जाएगा, जादू हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन बच्चों एक जादू है, जिसको समझ आ जाए और जिसको ना समझ आए उसके लिए वैसे ही जादू है। ए की माइनस एक्स का ए की माइनस एक्स का माइनस वन, डिफ्रेंशिएशन किया, डी एक्स इक्वल डी टी, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला चला गया, ये देखो इस तरह क्या बन गया, डी टी बन गया, और नीचे वाला क्या, एक बटे टी। अब एक बटे टी का मैं तो नहीं बताने वाला तुमको कि क्या होता है, चलो फिर भी बता देता हूँ, लॉग टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। अब देखो नोट कर लेना इनको साथ के साथ, ट्वेंटी नंबर पढ़ो सभी, ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देखो क्या अच्छा क्वेश्चन है। 20 नंबर, इंटीग्रेशन इक्वल ई की 2x माइनस ई की माइनस 2x dx, अपॉन में क्या है ए की 2x प्लस ए की माइनस 2x, नीचे वाले को टी पुट करो, ए की 2x प्लस ए की माइनस 2x इक्वल टी, ए की 2x का करो, ए की 2x का ए की 2x, 2x का 2, ए की 2x का ए की माइनस 2x, माइनस 2x का माइनस 2, dx इक्वल डी टी। आपको एक बात समझाई थी 50 बार, 51वीं बार समझा रहा हूँ, जब एक से ज्यादा टर्म हो ना तो ब्रैकेट में लिखा करो, ताकि ये डीएक्स दोनों के साथ है ऐसे पता चले। टू कॉमन आ रहा है क्या, ई की 2x माइनस ई की माइनस 2x डीएक्स इक्वल डी टी। अब बच्चे ये टू डिवाइड वाला मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, क्योंकि हमें ऊपर वाले का रिप्लेसमेंट चाहिए था जो कि मिल चुका है, ई की 2x माइनस ई की माइनस 2x डीएक्स इक्वल डी टी बाई टू, बस हो गया। अब क्या रह गया इसमें, तो खुद कर लेना, ये रहा डी टी, ये रहा बाई टू, ऊपर वाला तो सारा चला ही गया, डी टी बन गया ना डी टी बाई टू, और एक बटा टी बन गया, एक बटा टी का लॉग टी कर देना, टी की वैल्यू पुट कर देना, खुद भी करो। 21 नंबर, 21 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, 500 बार समझा चुका हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा का कैसे होता है, 501वीं बार समझ लेना, टेन स्क्वायर थीटा का हमें समाकलन नहीं आता, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 + tan² थीटा इक्वल होता है sec² थीटा, तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, sec² थीटा माइनस वन, थीटा क्या है 2x - 3 माइनस वन, पूरे को ब्रैकेट में लिखो, बाहर dx लगा दो, ठीक है। अब करो इंटीग्रेशन इसका, क्यों करना है अब, क्योंकि करना ही है, sec स्क्वायर थीटा का तो बच्चों पता है हमें क्या होता है, टेन थीटा, थीटा क्या है 2x - 3, अब बताओ क्या 2 अपॉन में आएगा क्या, जी हाँ अपॉन में आएगा, 500 बार समझाया था कि x का कोएफिशिएंट अपॉन में लगा दिया करो, 1 का क्या होता है x प्लस में c, सो इट्स बीन डन, आई होप सो समझ आ गया। इसके बाद देखो बच्चों 21 हो चुका है, ट्वेंटी टू नंबर, चलो 22 नंबर होमवर्क है, sec² 7 - 4x का हो जाएगा 10 7 - 4x, फिर x का कोएफिशिएंट -4 अपॉन में लगा देना प्लस में c। 23 नंबर क्वेश्चन भी होमवर्क है, साइन इनवर्स x का क्या हुआ, साइन इनवर्स x को t पुट कर देना, 1/√(1 - x)² चला जाएगा, तो ये बन जाएगा t dt बन जाएगा, सिर्फ t dt का t² / 2 + c, और t की बच्चों वैल्यू पुट कर दोगे साइन इनवर्स x,
इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्या होगा इसके? 24 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन। ऊपर तो है 2 cos x -3 sin x है क्या? देखो ध्यान से, मैच करो बुक के अंदर। अपॉन में क्या है? 6 cos x प्लस में 4 sin x। अगर थोड़ा सा दिमाग चला लो, और अभी पुट मत करो, अभी कॉमन ले लेते हैं। नीचे देखो 2 कॉमन आ रहा है, अगर ध्यान से दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, बाहर लिख दिया 1/2। यहाँ पे ये क्या बन गया? 3 cos x प्लस में 2 sin x। अब है ना, पुट कर लो टी, नीचे वाले को टी पुट कर लो। तो 3 cos x का माइनस के साइन एक्स, 2 sin x का क्या हो गया? cos x। dx इक्वल dt। अब देखो ऊपर वाला चला गया क्या? देखो ध्यान से देखो, माइनस के 3 sin x ये रहा, 2 cos x ये रहा, dx इक्वल क्या बन गया? dt। तो ये 1/2 कांस्टेंट है, ये dt 1/t बन गया। 1/t का फिर से कर लेना log t प्लस में c। ठीक है, सिंपल है। अब अगर टी पुट करना आ गया, कंसेप्ट समझ आ गया, तो कुछ नहीं लगा इसके अंदर। अब ये सारे इजी हो जाएंगे। 1/ में cos²x 1 - tan x का होल स्क्वायर है क्या? dt। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये cos²x अगर ऊपर चला जाए तो कुछ बात बन जाएगी। देखो क्या बात बनेगी, बहुत मस्त बात बनेगी। 1 - tan x का होल स्क्वायर, हमें पता है कि sec²x tan x का ही तो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है। तो इस पूरे को टी पुट कर दो, घबराया मत करो कि वन का क्या होगा। वन का जीरो हो जाना है, वन का जीरो हो जाना है। वन तो अपने को फायदा देगा, प्लस पॉइंट है, वन का तो जीरो हो गया। टेन एक्स का ये sec²x dx इक्वल में dt, -3 चाहिए इधर भेज दो। ये देखो sec²x dx का रिप्लेसमेंट मिल गया ना, क्या मिल गया? माइनस के dt। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया? ये माइनस बाहर dt ये, और ये 1/t2। 1/t2 का माइनस का 1/t होता है प्लस में c। कैसे हुआ बताओ, कौन बताएगा कैसे हुआ? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि 1/t² का माइनस का 1/t क्यों होता है। t की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे। ठीक है, तो ये 25 सी हो चुका है बच्चों कंप्लीट। इसके बाद देखो, ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन पढ़ो। इंटीग्रेशन इक्वल cos√x अपॉन में √x dx। इसमें रूट एक्स को टी पुट कर दो, देखो क्या फायदा हुआ। 1/2 √x होता है इसका अवकलन, dx इक्वल dt। ये देखो 1/√x में तो 1/√x dx चाहिए, तो ये क्या बन गया? 2 dt। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया? 2 dt cos t। cos t का समाकलन होता है sin t प्लस में c। t की वैल्यू पुट कर लेना 27। इंटीग्रेशन रूट में sin²x cos²x dx। cos²x को अब इसको sin²x को टी पुट करो, क्योंकि हमें पता है sin²x का cos²x होता तो वो चला जाएगा। sin²x इक्वल टी, तो sin²x का cos²x और 2x का 2 dx इक्वल dt। हमें चाहिए बच्चे सिर्फ cos²x dx इक्वल dt बाय, हो गया बच्चों ये 2, तो ये हो गया, ये रहा dt, ये रहा /2, और ये बन गया √t। √t का कर लेना, क्या बताया था? t की पावर 3/2, ये 3, 2 ऊपर, बाहर हाफ है, 2 से 2 कट गया, प्लस में आ गया c। जिन बच्चों को लग रहा है कि थोड़ा सा फास्ट है, तो बच्चों अब आप इंटेलिजेंट हो चुके हो, समझ आ चुका है आपको कि इंटीग्रेशन कैसे चल रहा है। स्लो कर लेना फिर वीडियो, या दोबारा देख लेना। ठीक है, 40 क्वेश्चन है इसके अंदर, 39 है सॉरी। तो थोड़ा तो अपने को फास्ट करना पड़ेगा ना, अदरवाइज अपने को अपने पीछे रह जाएंगे, कंप्लीट नहीं होगा ये। ठीक है, तो जिनको समझ नहीं आ रहा वो थोड़ा सा स्लो कर लो, बस इतनी सी बात है, लेकिन समझ आ रहा होगा, गारंटी है, पक्की बात है, समझ आ रहा होगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब इतना ही तो फारसी है ही नहीं इसके अंदर। जिनको डिफरेंशिएशन आ गया, 7.1 अच्छी तरीके से किया है, 7.2 की जो प्रीवियस वीडियो मैंने भेजी है वो भी अच्छी तरीके से देखी है। जिन्होंने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे क्लिक करके देख लेना। हाँ जी, 28 नंबर, इंटीग्रेशन इक्वल cos x dx। जिस बच्चे के जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, 1 + sin x। हाँ जी, अब देखो नीचे वाले को टी पुट करो 1 + sin x, ऊपर वाला चला जाएगा ना, कुछ भी नहीं है इसमें। अब
वन का जीरो साइन का कोस एक्स डीएक्स। कुछ भी नहीं का मतलब ये होता है कि तुमने खूब प्रैक्टिस की है, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं है का मतलब तुम समझो कि यहाँ कुछ नहीं है कर लेंगे। भविष्य के गर्भ के अंदर क्या छुपा है कुछ नहीं पता, इसलिए आज ही कर लो जो करना है पढ़ाई के मामले में, ठीक है, मेहनत कहते हैं उसे। टू रूट टी प्लस में सी, एक बटा रूट टी का क्या होता है टू रूट टी, टी की वैल्यू पुट कर लेना। ये देखो इसको टी पुट किया ना, ऊपर वाला चला गया, एक बटा रूट टी बच गया सिर्फ, एक बटा रूट टी का 500 बार समझाया हुआ टू रूट टी होता है। 29 नंबर, कोट एक्स लॉग साइन एक्स। अब तुमको पता है कि लॉग साइन एक्स का अवकलन तो कोट एक्स होता है, जिनको नहीं पता ध्यान से देख लो सामने ऑन योर स्क्रीन नाउ। देखो बालिकाओं बालकों, लॉग साइन एक्स का होता है एक बटा साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, डी एक्स इक्वल डी टी, और कोस बटे साइन आपको बचपन से ही पता है कोट एक्स डी एक्स होता है, बचपन का मतलब है टेंथ क्लास से। देखो कोट एक्स डी एक्स तो चला गया, क्या रह गया लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स को क्या पुट किया था टी, तो सिर्फ टी का इंटीग्रेशन करना है, टी का इंटीग्रेशन तो आप वैसे ही कर दोगे टी स्क्वायर अपॉन में टू प्लस में सी, टी की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। ये 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन इसी का भाई है, तो ये मैंने लगाया यहाँ पे 30 और वो ऐसे है, ठीक है, ऊपर है साइन और नीचे क्या बच्चों कोस एक्स, वन प्लस कोस एक्स, तो वन प्लस कोस एक्स को टी पुट कर दो, ये क्या हो गया कोस का क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, और माइनस बच्चों इधर आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल हो गया माइनस का डी टी, ये माइनस का डी टी, और ये बन गया एक बटे टी बन गया। देखो एक बटे टी बन गया, एक बटे टी का क्या होता है लॉग टी, ठीक है, प्लस में सी, सी की वैल्यू पुट कर देना, ये माइनस आप इसकी पावर भी बना सकते हो ऐसे करके, देखो बताता हूँ ये ऐसे माइनस वन, फिर लॉग की प्रॉपर्टी कहती है, लॉग की प्रॉपर्टी से लगाई ये आगे जो है पावर बन गई, इसको एक बटा टी भी लिख सकते हो प्लस में सी, टी की वैल्यू पुट कर देना। तो ये 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है, नीचे वाले को टी पुट कर देना, 31 में होमवर्क है, वन प्लस कोस एक्स को टी पुट कर देना, ऊपर वाला चला जाएगा सेम इसी की तरह। देखो इसका भाई है बस होल स्केयर लगा हुआ है, तो एक बटा टी स्केयर बनेगा, एक बटा टी स्केयर क्या बताया था माइनस के एक बटा टी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 32 एंड 33 ध्यान से समझना। 32 समझ आ गया तो आपको इसके साथ कम से कम 4-5 क्वेश्चन एक साथ समझ आ जाएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, वन अपॉन में वन प्लस कोट एक्स, ध्यान से समझना आप इसको, स्लो समझाऊंगा एकदम, वन अपॉन में वन प्लस कोट एक्स हो या वन माइनस कोट एक्स हो, वन प्लस टेन एक्स हो या वन माइनस टेन एक्स हो, चार क्वेश्चन एक साथ समझ आएंगे। करना क्या है, पहले कोट एक्स को लिखो भाई एज यूजुअल कोस एक्स बटे में साइन एक्स डी एक्स, फिर इस वन के अपॉन में वन है, एलसीएम क्या आ गया साइन एक्स, ये साइन एक्स वन के पास जाएगा, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स डी एक्स, अब ये साइन घूम के ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स डी एक्स। अब क्या करना है, अब आपको इस साइन एक्स को दो से तो मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाला से दो से मल्टीप्लाई अपनी मर्जी से कर रहा हूं तो दो से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ताकि कैलकुलेशन इक्वल रहे। अब क्या करना है, ये बाहर वाला हाफ तो एज इट इज, ये टू साइन एक्स को थोड़ा सा स्प्लिट करो, साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिखो, क्यों करना है इस बात का जवाब यही है इंटीग्रेशन में सॉल्व करने के लिए। अब क्या करना है, हमें जैसा नीचे है ना वैसा एक ऊपर बनाना है, लेकिन ऊपर तो हमारे पास कोस एक्स है ही नहीं, कोस एक्स नहीं है तो कोस एक्स जोड़ने और कोस एक्स घटाने पर, कोस एक्स जोड़ दिया और कोस एक्स ही घटा दिया, ठीक है, नीचे क्या सेम साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, बाहर वाला वन बाई टू एज इट इज। अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स करने तो ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स एक पार्ट तो इधर रख लो और उसके नीचे ये बटे वाला अलग कर दो, ठीक है,
प्लस वाले के नीचे तो अलग कर दिया, और ये हाफ है ना जो, ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया बड़े वाला। अब क्या होगा, अब रह क्या गया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स रह गया ना, इसके साथ बच्चों अलग कर लो इसको। तो अब तुम यहां से क्या समझे, अब तुम समझे कि देखो ये तो कट ही गया, ये तो वन डी एक्स है, और वन का इंटीग्रेशन तुमको आता है क्या होता है, एक्स होता है प्लस, अब ये रह गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, दिमाग लगाओ, नीचे वाले को अगर टी पुट करें तो ऊपर वाला चला जाएगा ना, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, माइनस का फर्क पड़ेगा, वो सही करना है, सही करना क्या लो, अभी कर देता हूँ, इधर माइनस कॉमन लो, कोस पहले आ गया, साइन बाद में आ गया, डी एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनो, ऊपर अवकलन हो, नीचे फंक्शन हो, और उसका समाकलन करना हो, नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका अवकलन हो, तो इसका होगा लॉग एफ एक्स प्लस में सी, क्यों होगा, इसको टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला चला जाएगा और ये एक बटा टी बन जाएगा, एक बटा टी का लॉग थी। तो यहां पर ये देखो साइन का कोस, कोस का माइनस साइन बन रहा है ना, यानी नीचे फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन है, और ऊपर क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है, एफ डैश एक्स है, तो ये एक बटा टी है, एक बटा टी का क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लॉग टी। लेकिन जब ऐसे डायरेक्ट लिखो तो बच्चों सामने है ना, ये फॉर्मूला जरूर लिख देना, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे को पता है डायरेक्ट कैसे, ऐसे नहीं प्रिंट किया, डायरेक्ट समझ आए ताकि सामने फॉर्मूला लिखो, है समझ, समझते ना क्वेश्चन, कोट को लिखा कोस बटे साइन, साइन एलसीएम आया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन ऊपर चला गया, दो से मल्टीप्लाई, दो से डिवाइड, दो साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स, फिर नीचे कोस है तो कोस जोड़ा, कोस घटाया, जो जोड़ा उसके साथ अलग किया, माइनस किया उसके साथ अलग किया, ये वाला कट गया, सिर्फ वन रह गया, वन का एक्स होता है, और ये नीचे वाले का अवकलन ऊपर बना लो, माइनस का फर्क पड़ रहा था, माइनस बाहर ले आया, नीचे वाले का अवकलन ऊपर बन रहा है, तो एक बटा टी का लॉग टी हो गया, प्लस में सी आ गया। तो इससे बच्चों आप क्या समझे, अगर टेन होता तो क्या करते, साइन बटा कोस कर देते, बस वो घूम के ऊपर चला जाता, फिर दो से मल्टीप्लाई, दो से डिवाइड, फिर साइन जोड़ देते और साइन घटा देते, फिर नीचे वाला जैसा बन जाता, अलग कर लेते, इधर अलग कर लेते, इधर वाला अवकलन बन जाता, इधर वाला वन बन जाता, ठीक है। तो इस तरीके से चार क्वेश्चन आगे आपको, वन प्लस कोट एक्स, वन माइनस कोट एक्स, वन प्लस टेन एक्स, वन माइनस टेन एक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है ही वन माइनस टेन एक्स, तो वो कर लेना, 33 होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कोई लेना चाहता तो, ठीक है। इसके बाद पढ़ो बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इंटीग्रेशन रूट टेन एक्स अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स। ध्यान से समझना, आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता जाएगा, घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है, ऐसे तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, सबके सब फन खाओ, एकदम शेर हो सारे के सारे। साइन एक्स कोस एक्स, देखो बच्चों क्या करना है, इसके अंदर क्या करो, टेन दिख रहा है, टेन एक्स दिख रहा है, कुछ ऐसा करो कि एक सेक स्क्वायर बने और एक टेन बने, उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इसको टेन बनाना है तो कोस से डिवाइड कर दिया और कोस से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो क्या हुआ, ऊपर वाला एज इट इज टेन एक्स डी एक्स, नीचे देखो क्या बन गया, साइन बटे कोस, एक तो टेन एक्स बन गया, कोस इंटू कोस क्या बन गया बच्चों, कोस स्क्वायर एक्स बन गया। अब तुमको पता है रूट टेन एक्स से टेन एक्स कितने पे कटेगा, रूट टेन एक्स पे कटेगा, ये कोस के ऊपर जाके क्या बन गया बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया, और ये नीचे आ गया रूट टेन एक्स। अब क्या करोगे, टेन एक्स को टी पुट कर दोगे, तो टेन एक्स का क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो गया बच्चों, डी टी, ऊपर वाला देखो चला गया। अब मैं नहीं बताऊंगा आगे कि एक बटे रूट टी का क्या होता है, बताओ 5 करोड़ रुपए इनाम है, 2√t प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर ले। इसके बाद देखो 35 नंबर, 35 नंबर क्वेश्चन होमवर्क है, सिंपल है, 1 प्लस लोग एक्स को टी पुट कर देना, नीचे वाला एक्स चला देगा, पहले करके आए थे ऐसा क्वेश्चन सेम, ठीक है। अब आ जाओ 36 नंबर क्वेश्चन में,
कंप्लीट करते हैं बच्चों अब जल्दी से, ठीक है। 7.1 7.2 अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि यही आगे यूज होती जाएगी। इंटीग्रेशन एक मस्त चीज है, जो जो करते जाओ वही आगे यूज होता जाता है, ठीक है। थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन है, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस लोग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स डी एक्स। अब देखो तुमको सब पता चल रहा है, एक्स प्लस लोग एक्स को टी पुट करो, नहीं पता चल रहा तो एक दो बार करके देख लिया करो, क्वेश्चन को अपने आप पता चलने लग जाता है। कॉमन सेंस है कि दिमाग को जैसे चलाओगे ना वैसे ही दिमाग अपने आप वर्क करने लग जाता है। एकदम डेरिवेशन वाले क्वेश्चन करोगे तो दिमाग डेरिवेशन जैसा चलने लग जाएगा, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन करते जाओगे तो दिमाग वैसे ही क्लिक होने लग जाएगा। तो सब गेम यही है कि आप कैसा करते हो। देखो जो रोज दौड़ेगा वो दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है तो वो दौड़ लेगा बस अच्छी तरीके से। जो रोज लिख रहा है उसको जब लिखने का जब भी एग्जाम होगा तो वो लिख लेगा अच्छी तरीके से। ऐसे जो रोज प्रैक्टिस कर रहा है या रोज समझ रहा है कि ये इंटीग्रेशन कैसे होगा तो उसके सामने जब आएगा तो वो कर लेगा, बस इतनी सी तो बात है। एक्स का वन और लोग एक्स का 1/x डी एक्स, दो टर्म आ गई तो ब्रैकेट लगा दिया इक्वल डी टी। एक्स एलसीएम ले लो, एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स। अब तुमको दिख रहा है क्या कुछ की क्या बन गया? ये देखो एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स डी एक्स चला गया, क्या बन गया इसका डी टी, और ये क्या है टी, टी का स्क्वायर, टी की क्यूब अपॉन में 3 प्लस में सी। टी की वैल्यू पुट कर लेना, यही देखो ये टी का स्क्वायर बन गया, टी का स्क्वायर टी की क्यूब अपॉन में 3 37। बस संपूर्ण होने वाली है, एक्स की क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8। तो बच्चों समझ आ रहा है? ये देखो टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 को टी पुट करो, देखो जादू हो जाएगा। पुट टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है अवकलन, 1 अपॉन में 1 प्लस इस एक्स का स्क्वायर, और फिर एक्स की पावर 4 का भी तो करेंगे, 4 एक्स की क्यूब डी एक्स इक्वल डी टी। तो क्या है एक्स क्यूब अपॉन में, ये एक्स क्यूब रहा, ये 4 2 8 हो गया ना, पावर पे पावर, पावर का मल्टीप्लाई का क्लास 7th 8th 9th 10th सब में बेसिक पढ़ा हुआ है ये। तो ये डी टी ये बाय 4 आ गया, तो इंटीग्रेशन रिप्लेस हो गया, डी टी ये बाय 4 ये सारा चला गया, ये वाला डी टी बाय 4 के अंदर समाहित हो गया, ये रह क्या गया साइन टी। साइन टी का समाकलन बता दो, चलो जल्दी से बता दो साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस के कोस टी, क्या होता है बच्चों माइनस के कोस टी प्लस में सी, टी की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 पुट कर लेना, संपूर्ण हो जाएगा ये, ठीक है। अब बच्चों 38 नंबर क्वेश्चन नोट कर लेना साथ के साथ, दोबारा देखोगे तो डेटा भी लगेगा। तो सर डेटा तो हमारे पास बहुत है और काम भी बहुत है यूट्यूब पे, चलो अच्छी बात है। लोग क्या है बच्चों, 10x के बाद लोग ये तो बेस है, ये 10 लिख दिया, ठीक है। डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स, नीचे वाले को टी पुट करो, एक्स की पावर 10 10 की पावर एक्स इक्वल टी। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स की पावर एन का तो होता है, एक्स की पावर एन का अवकलन पूछ रहा हूँ, पावर आगे आगे पावर एक कम होगी यानी एन एक्स एन माइनस वन, लेकिन मुझे ये बताओ एक ही एक्स का अवकलन क्या होता है, एक ही एक्स क्या होता है, क्या होता है सुनाई दिया। हाँ किसी बच्चे ने कहा कि सर एक ही एक्स लोगे होता है, जिन बच्चों को पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि एक ही एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो एक्स की पावर 10 का क्या होता है, पावर आगे आगे पावर एक कम होगी, और 10 की एक्स का 10 की एक्स लोग 10, ये क्या एक ही एक्स का एक ही एक्स लोग है, और डी एक्स इक्वल डी टी। अब बच्चों क्या रिप्लेस हुआ, कुछ रिप्लेस हुआ क्या, ऊपर वाला सारा ही चला गया। देखो ये 10 है ना, छोटा सा लिखा हुआ है बुक में, थोड़ा बड़ा कर लेना, ठीक है मिस प्रिंटिंग है। तो ये बन गया 1/t, देखो नीचे वाले को टी पुट किया था ना, नीचे वाले को 1/t डी टी, 1/t का लिख लेना लोग टी प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर लेना वही। तो ऑप्शन कौन सा, देखो ऑप्शन है बच्चों डी, ठीक है 38 मल्टीपल जो इसे है डी ऑप्शन है। इसके बाद देखो 39 लास्ट फाइनल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का,
dx अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इस dx के साथ में एक मल्टीप्लाई में लगा दूं तो बताओ क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा ना, लेकिन हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। वन को बच्चों में क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? तो एक बच्चे ने आवाज लगाई कि जी हाँ सर लिख सकते हो आप। ठीक है, कौन सी क्लास में सीखा था कि वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? बताओ कौन सी क्लास में सीखा था। अब क्या करें, इस साइन स्क्वायर के अपॉन में तो अलग कर दो, इसको डिनोमिनेटर सेपरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, हर अलग अलग कर दिया। हिंदी माध्यम वाले बालक बालिकाओं, हर अलग अलग कर दिया। मैथमेटिक्स में हिंदी इंग्लिश में इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बस अपने आप को इंटेलिजेंट समझो और माना करो, पढ़ा करो। इंग्लिश के कुछ वर्ड यूज करें तो उनको डिक्शनरी में चेक किया करो। आजकल तो डिक्शनरी जरूरत ही नहीं, गूगल देवता है, इसके अंदर चेक हो जाएगा। साइंस के से साइंस के कट गया, एक बटे कोस स्क्वायर क्या बन गया? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, एक बटे साइंस स्क्वायर क्या होता है? कोस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको बच्चे हिंदी में तो बोल नहीं सकता, सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स ही बोलूंगा। अब वैसे तो आर्यभट्ट जी ने साइन को जया कहा था और कोस थीटा को कोजिया कहा था और टेन थीटा को सपस्या कहा था, तो अब सपस्या कोजिया वो बोलूंगा तो सारे के सारे घबरा के भाग जाओगे। ठीक है, फिर मैथ को बदनाम करोगे कि सर ये क्या हो गया। तो इससे अच्छा है जो है वही लिख लें, सेक्स स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। यूरोप चला गया था ना उसके बाद, ये सारा का सारा अपना मटेरियल है, उसके बाद उन्होंने इनके नेम थोड़े बहुत चेंज कर दिए। कोसेक्स स्क्वायर एक्स का क्या होता है? माइनस की कोट एक्स प्लस में सी। तो इस तरीके से वन को जब भी नीचे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स या साइन एक्स कोस एक्स या साइन की कोई भी पावर कोस की कोई भी पावर मल्टीप्लाई में आए तो ऊपर वाले को वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिखते जाएगा और वो अलग अलग होता जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज 7.2 जो है इंटीग्रेशन समाकलन संपूर्ण हो चुकी है। आई होप सो आप सभी को ये अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है। जिन बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है वो भी लाइक करो, जिनको नहीं समझ आई वो समझ लो अच्छी तरीके से, एक दो बार देखोगे समझोगे तो समझ आ जाएगी। बच्चों अपने आप को जब कुछ समझना हो तो एज ए स्टूडेंट टीचर कुछ बड़ा बिहेव किया करो ताकि तुमको चीजें समझ आए, एकदम कंसंट्रेशन रखा करो चीजों को समझने के लिए। कंसेप्ट समझ आना चाहिए, कंसेप्ट का मतलब है बेसिक फॉर्मूला याद होने चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो तुम जहां भी फंसोगे तुम सोचने लग जाओगे अच्छा इसका फॉर्मूला क्या था। अब सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर तुमको याद नहीं है कि टेन एक्स होता है तो तुम फिर से उसी पेज पे जाओगे। इससे अच्छा एक बार फॉर्मूलाज को डेली रूटीन में रिवाइज किया करो, अपने घर पे कोई बड़ा है छोटा है तो उनको सुना दिया करो कि हाँ भाई ये होता है, या रिकॉर्ड करके रखा करो। हाँ भाई एक बार 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर सारे रिकॉर्ड कर लिया करो अपने फोन में, फिर उसको चला लिया करो, उसके साथ साथ उसको रिवाइज करते रहा करो। ठीक है, तो इसे देखो फोन का यूज अच्छे कामों के लिए भी किया जा सकता है। और जैसे अब सब कुछ पढ़ाई होगी, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो चुका है तो तुम अच्छी तरीके से पढ़ो, आई होप सो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों अपने 7.3 का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, फिर 7.3 एक्सरसाइज करेंगे। जितना हो सके अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।